वीडियो में बात करेंगे कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने से कैसे रोक सकते हैं। तमाम लोगों ने प्रश्न किया और प्रश्न किस लिए खड़े होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, फुल डिटेल में आपको बताऊं। सपोज दैट मान लीजिए किसी पिता के 3 पुत्र हैं, 1, 2, 3। मान लीजिए सपोज दैट तीसरे पुत्र से पिता की बनती नहीं है, तो पिता क्या करेगा ऐसी कंडीशन में? कई लोग ऐसा कर बैठते हैं कि पहले और दूसरे पुत्र के नाम संपत्ति करा देंगे, उसकी वसीयत करा देंगे या रजिस्ट्री करा देंगे, तीसरे पुत्र को कुछ नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे में उसे बेदखल कर देते हैं, भाई वो पैतृक संपत्ति से ही बेदखल हुआ। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए तीसरा पुत्र एक्सपायर हो गया और उसकी जो विधवा है उसकी 2 पुत्रियाँ हैं, इसलिए भेदभाव के चक्कर में वो कहते हैं कि भाई इसकी पुत्रियाँ ही हैं, ये संपत्ति बेच देगी। इस कंडीशन में भी जो तीसरा जो पक्ष है उसे पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। इसीलिए ऐसे सवाल खड़े होते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई पिता को पैतृक संपत्ति बेचने से कैसे रोकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है भाई कि पिता को पैतृक संपत्ति में, भाई ऐसा है हिंदू विधि में दो शाखाएं हैं, मिथाक्षरा और दायभाग। मिथाक्षरा के अकॉर्डिंग पैतृक संपत्ति में, पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है और जन्म से अधिकार होने के कारण पिता के अधिकार पैतृक संपत्ति पर सीमित होते हैं, इसलिए पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है कि पिता पैतृक संपत्ति बेच कैसे देता है और हम कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये कानून डिटेल में जानना है और इसके बारे में विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट जानकारी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दी गई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको कानून सहित पता लग जाएगा कि मिथाक्षरा और दायभाग में क्या प्रावधान है, पॉइंट टू पॉइंट आपको पता लग जाएगा। खैर, इस वीडियो में तो हम यही बात करेंगे कि बेचने से आप कैसे रोक सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यदि आप जमीन के बारे में, जमीन से जुड़े हो, जमीन के बारे में यदि आप महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने ये चैनल आप लोगों से जुड़े रहने के लिए बताया है, बनाया है, ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जमीन से जुड़ी ऐसी जानकारी मिलती है जो आपको कोई पैसे देकर भी नहीं बता सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने से कैसे रोक सकते हैं। भाई प्रावधान तो ये कहता है कि पैतृक संपत्ति, पिता को पैतृक संपत्ति हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है क्योंकि पुत्र का भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। तो भाई हो कैसे जाता है, जैसे कि मैंने बताया, देखिए सपोज दैट पिता की कोई पैतृक संपत्ति है, वो तहसील जाता है और तहसील जाके वहां पे रजिस्ट्री कर देगा पहले के नाम और दूसरे के नाम। उसने रजिस्ट्री कर दी या सपोज दैट वसीयत कर दी या मान लीजिए दान पत्र पहले और दूसरे पुत्र को कर दिया, ठीक है, और आपने यदि तीसरे पक्षकार ने इन दोनों लोगों पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो वो रजिस्ट्री हो जाएगी और कुछ समय बाद वो रजिस्ट्री का दाखिल खारिज भी हो जाएगा, अगर तीसरा पक्ष जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा तो। ठीक है, देखिए रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, वहां पे पैतृक संपत्ति है भाई, कैसी भी संपत्ति है वो रजिस्ट्री हो जाएगी, वसीयत भी हो जाएगी। ठीक है, और यदि ये पक्षकार हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा तो इसकी वसीयत, सॉरी, वो दाखिल खारिज भी हो जाएगा, फिर संपत्ति इनके नाम पहले और दूसरे पुत्र के नाम चढ़ जाएगी। भाई अब करना क्या है, तीसरा पक्षकार जैसे मान लीजिए है, अगर इसके पिता ने, जो तीसरा जो पक्षकार है, अगर इसके पिता ने सपोज दैट अगर पहले और दूसरे के नाम जैसे ही संपत्ति, यानी कि पैतृक संपत्ति जैसे ही इनके नाम करता है, जब उनको तीसरे पक्षकार को पता लगता है तुरंत वो है रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर या तहसील में जाकर तहसीलदार के यहाँ तुरंत उस संपत्ति, उस रजिस्ट्री पर आपत्ति लगाना जरूरी है। जो भी इन लोगों ने जो संपत्ति चुपके से नाम करा ली मिथाक्षरा भाग को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से, उस पर इनको देनी होगी तीसरे पक्षकार को आपत्ति। आपत्ति आप तहसीलदार में दे सकते, सॉरी तहसील में जाके तहसीलदार के यहाँ आप आपत्ति लगा सकते हैं और इनकी रजिस्ट्री जो है वो रुक जाएगी, इस आधार पर रुक जाएगी क्योंकि पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता पिता। ठीक है, सपोज दैट एक चांस है कि भाई जो भी तहसील लेवल के जो भी न्यायालय होते हैं वहाँ रिश्वतखोरी चलती है, तो हो सकता है कि भाई एक बार जो है वो इनके नाम रजिस्ट्री चढ़ा दे, लेकिन तीसरे पक्षकार को 100% न्याय मिलेगा, चाहे उसे हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। ठीक है, तो बस एक ही वो है कि तीसरे पक्षकार को जैसे ही पता चलता है रजिस्ट्री का, या मान लीजिए दाखिल खारिज होता है तब पता चलता है, तुरंत तहसील में जाके ऑब्जेक्शन करना है और वहां केस फाइल कर देना है, चाहे
तहसीलदार के, अगर मान लीजिए तहसील से हार जाते हैं आप, तो आप आगे बढ़ जाएं, 100% वो जमीन पैतृक जमीन है तो आपको मिलेगी। और यदि आप महत्वपूर्ण और विस्तार में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, आप देख